हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BE GE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। तो यहाँ पे ना हमारी जो ये कुछ यूनिट है, ये कुछ पहले किसी सब्जेक्ट से ली हुई हैं, कुछ यूनिट किसी सब्जेक्ट से ली हुई हैं, तो उसी को मैंने एक साथ मतलब सब कुछ देख कर मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टिक करे हैं। प्रीवियस ईयर जो इसका एक इसका ही जैसा सब्जेक्ट है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं और मैंने देखा भी कैसे क्वेश्चन, कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन फॉर्म होने की। तो एक जो ड्रामा है उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो आपसे कैरेक्टर्स पूछ लेते हैं या कुछ भी पूछ लेते हैं। और आपको पता ही है कि इस बुक में ना 3 ड्रामा है और ऑलमोस्ट 70% जो आपका एग्ज़ाम है वो इसी में से आएगा। 70% जो आपके एग्ज़ाम्स की वेटेज है ना, वो ये 3 ड्रामा जो आपको दिए हुए हैं इसमें उसी में से आएगा। और बाकी का 30% कुछ डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है जो कि इसमें शुरू में दी हुई है, उसके बाद इसमें सिर्फ ड्रामा ही है। तो अगर आप तीनों ड्रामा भी कर लेते हैं और आपके पास टाइम नहीं है डेफिनेशन करने का, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप ड्रामा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा ही एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, तो आप वो डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। मतलब डेफिनेशन नहीं है, काइंड ऑफ ऐसे प्लॉट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इनमें आप खुद भी लिख सकते हैं, बट हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम अच्छे से उसको अपने आंसर्स फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशन जो आपको सिर्फ वो ही डेफिनेशन याद करनी है, वो इनफ होगी आपके लिए। ओके गाइस, तो इसमें ना 4 ब्लॉक हैं आपके। इसमें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ओनली डेफिनेशंस वगैरह हैं, कि आप छोटी मोटी डेफिनेशन जो आपको 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के में आ सकती है। और ये जो पूरे हैं, ये आपके तीनों ड्रामा है, 70% आपका एग्ज़ाम इसी में से आएगा। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से कर सकते हैं ना, तो वो भी इनफ है। लेकिन अगर आपको मतलब डेफिनेशंस भी ऑब्वियसली अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो वो केस अलग होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ डेफिनेशन जो आप याद कर लें। पेज नंबर 14, टाइप्स ऑफ स्टेज। इसमें ना आपकी 4 स्टेजेस हैं, ग्रीक थिएटर, नृत्य ड्रामा, देन आपकी है एप्रन स्टेज, रिस्टोरेशन स्टेज एंड प्रोसीनियम स्टेज। ठीक है, तो इसमें ना आपकी ये सारी नहीं आएंगी एक साथ की सारी स्टेजेस, बस आप इसमें एक या दो आ सकती है 5 मार्क्स के में एज अ डेफिनेशन। पेज नंबर 20, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। इसमें प्लॉट, कैरेक्टर, 3 यूनिटीज, ये तीनों हैं। तो ये तीनों ना देखी गई हैं बार बार आते हुए ये तीनों, या फिर आपको इसका शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल देगा या बोल देगा कि इसकी डेफिनेशन दीजिए, तो ये आप ज़रूर याद कर लें। पेज नंबर 26, ट्रेजेडी। पेज नंबर 32, एपिक थिएटर। पेज नंबर 34, क्लासिकल संस्कृत थिएटर। अब जो यूनिट 4 है ना, इसमें आपको बेसिकली बताया हुआ है कि मॉडर्न ड्रामा में कौन कौन से ऑथर्स थे, मिड सेंचुरी थिएटर में कौन कौन से ऑथर्स थे, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट में कौन कौन से थे। तो आप इसको बस एक बार सी थ्रू कर लेंगे, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, बट आपको देख लेना है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर ये बाई चांस आता भी है तो आप इसको लिख सकें या ना, इसके चांसेस ना कम है आने के, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑथर्स के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, उनके वर्क्स दे रखे हैं, तो वो आप सारे तो याद करोगे नहीं। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि मॉडर्न ड्रामा का कोई भी एक कर लिया, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट का भी कोई एक कर लिया, रिसेंट ड्रामा का कोई एक कर लिया, ऐसे आप कर सकते हो कि अगर आपको वो पूछे मॉडर्न ड्रामा के बारे में कुछ भी, तो आप उसको एज अ एग्जाम्पल लिख सको। हाँ, तो आप ऐसे कर लेना, वो आपके लिए ना काफ़ी ईजी हो जाएगा, बजाय ये पूरी पढ़ने के लिए ये आपका फिर टाइम वेस्ट होएगा। अब हमारे पास ब्लॉक 2, आर्थर मिलर और माय सन्स। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, सिंपली आपको कल मैं एक समरी आपको दे दूंगी एज ए वीडियो छोटी 3-4 मिनट की, वो समरी आप सुन लेंगे, आपको पूरा प्ले क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। देन मैं आपको कैरेक्टर्स, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उसमें कैरेक्टर्स भी एक सिंपल फॉर्म में बता दूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए। नहीं तो इसमें भी ना कैरेक्टर्स बुक में जो आपको दिए हुए हैं वो भी अच्छे से दिए हुए हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप इसमें से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समरी पढ़ लेनी है अच्छे से, उसके बाद इसमें ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थीम और वगैरह थीम्स दे रखी हैं और ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, जो आप कर लोगे ना तो ये पूरा आपका जो ड्रामा है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें आपको कुछ नहीं बचेगा एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये ड्रामा क्या है। एज ए मूवी होती है ड्रामा, तो आपको वो एक मूवी सी होती है, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या हुआ क्या हुआ, वो किससे क्यों गुस्सा है, या फिर वो उससे क्यों हेट करता है, या फिर वो उसके कैसे क्लोज है। तो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा, आपको सिर्फ वो रीड थ्रू करना है। ओके, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से जो पॉइंट है जो आपको बुक में से पढ़ने हैं, और मैं आपको कल वीडियो दे दूंगी समरी की, वो आप सुन लेना। पेज नंबर 77, ऑल माय सन्स अ व्यू ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। पेज नंबर 81, प्रॉब्लम ऑफ क्रिस मैरिज एज अ थीम, देन आइडियलिज्म एज अ थीम, फादर सन रिलेशनशिप एज अ थीम। ये मेन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
ये सारी थीम दी हुई है, एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, मदर सन रिलेशनशिप एज अ थीम, तो ये आपको सारी थीम रीड करनी है। देन पेज नंबर 90, यहाँ पे आपको ना सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जॉय केलर का, क्रिस केलर का, केट केलर का, तो ये आपको ना कैरेक्टर्स सारे पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि ये मेन है ये मेन नहीं है, कैरेक्टर्स सारे मेन होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ना यहाँ पे माइनर कैरेक्टर्स भी दे रखे हैं, पेज नंबर 99, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, तो इसको भी आप एक बार रीड थ्रू कर सकते हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में। अब वी हैव ब्लॉक 3, मोहन राकेश हाफ वे हाउस। इसके भी आप पहले ना आपको तीनों ड्रामा की समरी पता होनी चाहिए, अगर आप बिना समरी पढ़ी करोगे ना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप एक बार इसकी समरी देख लेंगे, इस प्ले में है क्या, ये मतलब क्या स्टोरी है, कौन इसमें लोग हैं, तब आप इसके बाद जब आप ये पढ़ोगे ना, जब भी आपको समझ आएगा, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और आपसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो पहले आप है कि आप समरी पढ़ लो, उसके बाद जो ये सारी टेक्स्ट वगैरह है वो पढ़ लें। पेज नंबर 121, फेमिनिस्ट क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स इन हाफ पे हाउस। पेज नंबर 124 में ना आपके टर्म एंड क्वेश्चन है, और ये ना पिछले एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपने जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, 5, 6 और 7, ये वाले आप तीनों क्वेश्चन कर लेना। सेम कैरेक्टर्स हर चीज़ में मेन होते हैं, तो इसमें भी कैरेक्टर्स इन हाफ पे हाउस, पेज नंबर 129। कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव इन हाफ पे हाउस, पेज नंबर 134। पेज नंबर 141, द वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन हाफ वे हाउस। पेज नंबर 154, वन एक्टर एज प्लेइंग 5 रोल्स इन हाफ वे हाउस। देन वी हैव ब्लॉक 4, नगुगी वा थोंग, ये ना ऑथर का नाम है जिसने लिखी थी द ट्रायल ऑफ दिडान किमाठी। पेज नंबर 161, अफ्रीका द डार्क कॉन्टिनेंट, तो इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि अफ्रीका जो है इसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, या फिर अफ्रीका एज अ डार्क कॉन्टिनेंट, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। पेज नंबर 169, बैनिंग ऑफ माओ माओ द एमरजेंसी। यूनिट 3, द ट्रायल ऑफ डिडान किमाठी, रीडिंग द टेक्स्ट। अब इसमें ना पूरा आपको जो जिसमें जितनी भी इसमें बातें हुई थी उसको आपको समझा रखा है, जो भी इसमें टेक्स्ट है इस ड्रामा में। अब एक बात और, जितने भी अभी हमने पीछे ड्रामा पढ़े हैं दोनों और ये 3, तो आपको ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आपको एक टेक्स्ट दे दिया जाएगा और उससे आपको उसका मीनिंग पूछा जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से ड्रामा का टेक्स्ट है। अगर आपको वो पता होगा तो आप आंसर करेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपको याद है तो इससे पहले भी हमारे पास एक सब्जेक्ट था ड्रामा या फिर कुछ रीडिंग द नोवेल, सेकेंड ईयर वालों के पास है वो, तो उसमें भी ऐसे ही हमको बहुत सारी नोवेल वगैरह दी हुई थी, उसमें भी सेम यही था। तो ऐसे सब्जेक्ट ना बहुत ईजी होते हैं मार्क्स लाने के लिए, आपको बस क्या करना है, समरी अच्छे से पढ़नी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है सबके बीच में, क्या कैरेक्टर्स के बीच में क्या दिक्कत है या फिर सब कुछ, तो अगर आप वो पढ़ लेते हैं, अगर आपको समझ आ जाता है वो ड्रामा, तो आप आराम से उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं, उसकी समरी लिख सकते हैं, उसके पहले क्या हुआ था, उसकी एंडिंग, सब कुछ आप लिख सकते हैं। तो इस पूरी यूनिट 3 में ना आपको टेक्स्ट ही हुआ है, उसका मीनिंग लिखा हुआ है, तो आप वो एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं, उसके मीनिंग पढ़ने हैं, सिंपल। देन पेज नंबर 202, टाइम इन द प्ले, ये है डिडान की माठी का, और इसी पेज नंबर पे कैरेक्टर्स इन द प्ले, इसमें आपको कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया हुआ है और उसके साथ ना उसके टेक्स्ट भी दिए हुए हैं ताकि वो अच्छे से उसका कैरेक्टर समझ में आए, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसी के साथ ना हमारी ये बुक खत्म होती है गाइस, और अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ के समझ के करेंगे ना, तो ये अच्छे से आपके काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है। आपको बस मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी इसमें ड्रामा दिए हुए हैं उनकी समरी आपको अच्छे से पढ़नी है, वो समझना है एज अ मूवी कि ये क्या हो रहा है, कहाँ पे कब क्या हो रहा है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन है वो आराम से कर लेंगे। और कैरेक्टर्स ज़रूर करके जाने हैं तीनों में से, ठीक है, ज़रूर आएंगे कैरेक्टर्स, हमेशा आते हैं, यूँ नहीं है कि बहुत सारे आएंगे, बट एक ना एक तो आने के चांसेस फुल हैं। ओके गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों की समरी आपको दूं, अगर ये इंपॉर्टेंट है आपको नीड है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेजॉरिटी में अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं इसकी स्टोरी या फिर जो समरी है वो आपको इन अ सिंपल फॉर्म्स दे दूंगी, और अदरवाइज आप अपने आप से भी, अगर आपके पास इसकी बुक है आपने परचेज की है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप मुझे बोलेंगे कमेंट करके तो मैं वो भी कर दूंगी। ओके गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।